ना, और सप्लीमेंट कुछ नहीं है, ग्लूकोज लेके जाता हूँ ताकि मेरे को ना ब्लैकआउट ना हो जाए, क्योंकि एक दो बार में हो गया था। तेरे को लगता तो वैसे गीस, अच्छा टा हाथ ही दबा दिया मेरा। हेलो, हाँ शत कोटी भाई, अरे इसी के पास है मतलब। तारू तू पागल है क्या? डेडलाइन ऐसी है कि बर्गर हाथ में है, इसका बर्गर इसके हाथ में है। तो वाला देखो, हम जिसको लेने आए थे वो फाइनली आ चुके हैं। टेटेडे देखो, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी चलते चलते, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जिम अपना, और सप्लीमेंट कुछ नहीं है, ग्लूकोज लेके जाता हूँ ताकि मेरे को ना ब्लैकआउट ना हो जाए, क्योंकि एक दो बार में हो गया था। तो फटाफट से जिम चलता है, बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि कॉलेज का भी काम है, कल कॉलेज जाना है, कल कोई लोग दिल्ली से यहाँ पे आ रहे तो उनको भी सीख कर निकल जाना है, तो उससे पहले अपने को काम से भी फ्री होना है। और इसी ज़्यादा वेरी गुड मॉर्निंग टू लू, फिर उम्मीद करता हूँ देखो सबसे बढ़िया हो गया, बढ़िया रहना। तो आज के ब्लॉग खत्म, सारा सीन समझा दिया समझ, क्या क्या होने वाला है और क्या पता और कुछ भी हो जाए, भगवान थोड़ी है। तो फटाफट जाते हैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं, फिर बात करते हैं। खा तो रही है पर ये क्या कॉम्बिनेशन है फ्रूट्स के साथ समोसा, भारत मांगता है जवाब। हाय 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 हाय, आस्था आस्था सुन तो ले, क्या हो गया तेरे को, क्यों तेरा मुंह फूला हुआ है आज? अरे अरे काम घुस, तेरे को लगता तो वैसे गीस, अच्छा टा हाथ ही दबा दिया मेरा। हेलो, हाँ शत कोटी भाई, अरे इसी के पास है मतलब। तारू तू पागल है क्या? यस यस यस, क्या करा मैंने? तो वाला देखो, फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है, हमारा काम चल रहा है बिल्कुल जोरों शोरों से, और हम यहाँ आज बाल्टी यहीं पे लगा के बैठ गए। भाई मेरे को ठंडी बहुत लग रही थी तो मैंने ये कर लिया, और मैंने सिर भी धो लिया क्योंकि खुजली भी बहुत ज्यादा ही मच रही थी, क्योंकि मैं जिसके साथ रहता हूँ। जब चाचा दिन नहीं नहाएगा तो यही होगा ना? नहीं, मैं तेरे साथ रहता तो खोपड़ी दर्द रहती है एनी टाइम। तो बस ऐसे सीन है यार। अभी देखो, अभी बज रहे हैं 21:10, और कल जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं उनकी ट्रेन लेट हो चुकी है, तो उनकी हमें पता नहीं टिकट अभी कैंसिल करवानी पड़ेगी। तो बहुत बसड़ है जिंदगी में ब्रो, तो बस फटाफट से जो भी है काम वाम निपटाते हैं। आज तक को कुछ खिलाने ले जाता, क्योंकि इसको लग रखी है बुक और इसको मैं बाहर नहीं लेके जा रहा, तो इसने ऐसा मुंह फुला रखा है। और देख, मैं दिख नहीं रहा बेटा तेरी रिफ्लेक्शन में, तो दांत फाड़ रही है उधर। काहे की रिफ्लेक्शन, यहां पे कौन सा रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है? तेरा दांत देख, जी जी जी, लात मारती, शर्म नहीं आती तेरे को? अपने क्यों मार रही है? The next day. जो चप्पल मिली पहन ली। तो देखो यार, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी किचन में, क्योंकि भूख लग रही है, तो इंस्टेंट खाना तो हमें को ये नजर आता है, मन करता है ये वाला फ्लेवर ट्राई करें, तो आज ये खा रहे हैं पानी लगा दे गर्म होने पे। और अगर सुबह सुबह की ताज़ा खबर सुनो, अभी बज रहे होंगे 2:25 या 3:00, और जो मेरे कुछ प्यारे लोग दिल्ली से आ रहे थे करंटली, अगर इस टाइम पर बताऊँ तो उनकी ट्रेन चल रही है 13 घंटा डिले, 13 घंटे, अरे दिल्ली से आगरा पहुँचने में उनको 11-12 घंटे लगे, तो ये बहुत बुरी हालत हो रखी है लोगों की। कौन है वो, शाम को आएंगे मिल लेना, शाम को भी पता नहीं कब तक आएंगे, कोई आइडिया नहीं है। और शाम को मूवी देखने जानी है, उनके साथ जानी थे, उनकी टिकट किसी और को देनी पड़ेगी क्योंकि टाइम पर वो पहुंच नहीं पाएंगे, तो वो ढूंढना पड़ेगा किसको लेके जाए और कौन सी मूवी शाम को देखने। इतना भयानक डिले यार, 13 घंटे, पागल हो जाता है इंसान। तब जो भी है, कुछ कर नहीं सकते, चलती ट्रेन सब कोई कैसे ही चेंज करेगा। तो फटाफट से अपना खाना खाते और काम धंधे पे लग जाते हैं, क्योंकि काम धंधा देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, हाँ
हाय हाय थोड़ी सी और। तो बोले देखो फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है बहुत बुरा है बहुत बुरा है। जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा है। 14 घंटे की ट्रेन लेट, ठीक है 14 घंटे मतलब पता है एक जगह से शिफ्ट का कितना होता है 14 घंटा। और क्या बोलूँ मैं, तो सही है जो है। किसने बोला था ट्रेन करने के लिए? हमने तुम्हारी तरह अमीर आदमी नहीं है इस वजह से। तुम हैं, तुम अफोर्ड कर सकते हो फ्लाइट से आना बार बार, हम नहीं, क्योंकि हम एक किसान है। तो अभी देखो अभी कितना बज रहा होगा, अभी बज रहा होगा 5 या 6। उनकी ट्रेन अभी झांसी से निकली, अगला स्टेशन भले ही भोपाल है तो भोपाल से इंदौर भी आना है, समझ रहे हो जज्बातों को क्या हो रहा है आज उन लोगों के साथ, मज़ेदार। देखो अभी का सीन ऐसा है, हमें जाना पिक्चर देखने के लिए, डेडलाइन ऐसी है कि बर्गर हाथ में है, इसका बर्गर इसके हाथ में है, गाड़ी मैंने चलानी है तो इसको तो पहले अंशु भाई का उसको कॉल मेरे को करने कॉल थिएटर पहुँच के बात करते हैं। क्या लगता है आपको हमें? ज्यादा भगानी नहीं है अपने को, ठीक है? ठीक है ना, मैं ना तेरी शक्ल दिखा रही हूँ ना मैं अपनी शक्ल दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि फोन हाथ से गिर ना जाए, तो खाली अभी वॉइस ओवर से ही काम चलाओ आप लोग, है ना? नहीं दीपिका है। तो वाला देखो मूवी हो चुकी है ख़त्म, अब आशा चला रही है स्कूटी, आशा लेके जा रही घर, देखो कैसे लेके जाती है, हैं रुक जा उनको ऑटो आंदे साइड में लगा ले जरा भाई, एक नंबर मूवी थी, बाकी का मूवी करीब जब देखो जब वो लोग आ जाएंगे उसके बाद तुम्हें बताऊंगा। आ रहे आ रहे। तो वाला देखो हम जिसको लेने आए थे वो फाइनली आ चुके हैं, तो वाला देखो सीन फिलहाल ऐसा है, कैसा लगा तेरे को आगे इतने घंटों बाद? बस 2 दिन। अच्छे से तो छू लिया। हैं? स्कूटी में चलूंगा। स्कूटी कोई नहीं चलाएगा तो कभी घर चलोगे? तुम्हारी भाभी की दाल वगैरह और भाई ठीक है। तो वाला देखो अपने भाई लोग आए थे। हां आज की भाभी की दाल वगैरह, एक काम करते घर जाके बात करते पूरी। हैं? साफ है भाई, कैमरा साफ है। तो वाला देखो फिलहाल का सीन ऐसा है, यश का है बर्थडे। अरे हाँ यार प्री बर्थडे, अरे लगाना चाहिए था। और हाँ यस तेरे नाम पे बिल फट। CBSE तो मोड़ देंदे पखे, तोड़ देंदे स्विच बोर्ड, फेल कीते प्री बोर्ड, 12वीं तक पहुंचे आपा दे दे के तके।